हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ अ फनी वीडियो एंड वीडियो नेम इज यार खिलाड़ी मैं अनाड़ी, टेकन फ्रॉम द चैनल अमित पढ़ाना। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन। अमित जी ने कितना भगवान वो उठाला रे, भाई अपना नीले वाला सूट दे दे जो तूने पंकज के बयान पे रहा। अरे भेड़ के फूफा, तू जा मारे को रोज नहीं देर सू। अरे भाई छोड़े चावल रहे तो क्यों छोड़ू, कुदरत कमियों में वहां जानी है कि जाएगी नौ तो अपनी है। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, असली मजा तभी है जब गर्लफ्रेंड की शादी में जाओ और वहां मिल जाए बल्ले और दही। क्रोनोट्रोली समझाता हूँ, क्रोनोलॉजी होता है भाई वो। अभी जो यू कह रहा है की बात, अबे ऐसा है ना, ये जो गर्लफ्रेंड होती है खुली तिजोरी की तरह होती है, अगर ताला नहीं मारोगे तो यौन उड़ा के ले जाएगा। और क्या, मेरी वाली भी एक नई ड्रेस ले गई। वो सब पूछ रही बेबी मैं कैसी लग रही हूँ उस ड्रेस में, ऐसी लग रही जैसा कतई रंग बिरंगा तोता। लेकिन अगर यू ही बात मेरे आगे मुंह पे कह देता ना तो मेरे तोते उठा देते। मैंने भी कह दी, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती ड्रेस तेरी क्या बात देखे। अरे मेरी वाली एक दिन मुझसे पूछ रही कि तुम मुझे कभी कोई गिफ्ट क्यों ना देते, मैंने बोल दिया तुमसे प्यारी चीज कोई दुनिया में है ही ना, तो मैं क्या गिफ्ट दू, होगी खुश पैसे ही बचा लिए, अरे गिफ्ट भी ना दिया। ये बहुत कमाल का काम किया। अरे मैं तो सेटिंग से उल्टा गिफ्ट ही निकलवा लू। एक दिन मैंने वहां फोन करा, मेरे सस्ते फोन में तेरा ब्यूटीफुल चेहरा अच्छा ना लगता, अब तो है देखे बिना मेरा जी भी ना लगता। अगले दिन चेली ने खुश हो गए, नया फोन की पट में दिया तेरे भाई ने। या वैसे एक क्या बात है, वो ब्यूटीफुल का मतलब वही है ना जो अच्छा सा सुंदर सा दिखे। हां ओडोमोस डिक्शनरी में पढ़ा मैंने ये जो है ओडोमोस डिक्शनरी। वैसे एक बात तो है, अपने पूरे ग्रुप में एक अमित ही है जिसकी गर्लफ्रेंड अनाराई है। अनाराई भेड़ के पूपा ना रह रहे इंडिया में। अरे कुल मिला के भाभी जी के माता जी पिताजी इंडिया से बाहर रहे हैं। वो चेस को लाकुका की नहीं है, वो चेस को वासेपुर है, ऑस्ट्रेलिया के दौरे है गैंग को वासेपुर के ताऊ का लौंडा। सुनो भाइयों, मेरा तो टाइम हो गया, 4:30 हो रहे। 4:30 उल्टी चल पड़ेगी अब मेरी गड़ी, वो मेरी जान को लड़ी ही लड़ी लेकर आई थी अपनी गैल चढ़ी गुस्से वाली है बड़ी। यार यू मेरा फोन साइलेंट पे किसने कर दिया? अरे वो तो मैंने कर दिया, चार दोस्त बैठे टाइम निकाल रहे कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। अपनी तरह सिंगल सिंगल ही मरेगा तू तो, मुझे भी मारते सिंगल। अरे अमित बढ़ाना मार दे कोई बहाना, महंगी कोई बहाना। अबे मेरे जैसे 75 लोटों को चलावे वो डेली, क्या बहाने मारू ये बोल दो मुझे दस्त लग गए। लेकिन जो आज हम बहाना बनाएंगे ना उसे ना चला पाएगी। ऐसा क्या करोगे तुम? अरे कुछ बोलोगे भी क्या, इशारों इशारों में बात कर रहे हो? अरे मोकू काहे को मारा अब सुनो, भाभी को करो वीडियो कॉल और उनको बताओ कि तुम्हारे पीछे गुंडे पड़ गए थे, उन्होंने मचाई तुम्हारी धनैया,
इससे तो लेट हो गए। आइडिया अच्छा है यार, अब भी बात ना होनी। गुंडे ने कहा लूटो तेरा पर्स मोबाइल चैन तो लेके ही ना गए। ला यहाँ दे। 400 रुपए ली थी राखी। हाँ बिल गेट्स में फेल कर दिया था संपत्ति में। ले 100 तू पकड़, 100 तुम ले, 200 मारा। ले 100 तू रख ले यार। अब मुझे ना नए नए आइडिया मत ना दे दियो। अब मुझे मेरी जाने पर एक कॉल करा दो। तार बात अभी भी ना बनी। फोन ले ले। तो आज उठ के क्या चले गए? अब तू ना अपनी बाइक से उनको पीछा भी ना करा। यार डरपोक समझेंगी भाभी। तो अब क्या करना चाहिए मुझे? ये है मेरी लक्की जैकेट। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ हो गए तो मैं कुछ ना हो जा मेरे चीते। क्या होना है ये तो अबे तुमको 2 मिनट में पता चल जाएगा।
और वो अपना पुराना सा साड़ा का फोन मत लेकर आना, वो फोन लेकर आना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। फोन तो टूट गया। समझ रहे ना सारी बात? कुछ बोलते क्यों नहीं? अब तो मैं क्या ही बोलूं? समझ गया, मैं आता हूँ कल। चलो ओके बाय, मुझे पापा के साथ शॉपिंग पर जाना है। कल नहाकर आना, पापा को अपने लुक से भी इम्प्रेस करना है। लुक? मैं काफी एक्साइटेड हूँ कल तुम्हें अपने पापा से मिलवाने के लिए। हे भैया, अमित का तो घर बर्बाद हो गया। चलो ओके बाय, लव यू। लव यू। जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन, हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से। बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत अंदाज के साथ बनाई गई, फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर थी और इसको डायरेक्ट किया है भरत बड़ाना ने और उनके साथ अमित बड़ाना ने खुद ने और लिखा अमित बड़ाना ने इसको है। और इसकी कास्ट में शामिल थे अमित बड़ाना, सचिन भटाई, विकास बंसाली, प्रतीक सिंह, अविनाश चौधरी और नीतू बासित वगैरह शामिल हैं। अब हम बात करेंगे आपसे इस वीडियो की, जो कि बड़े खूबसूरत और बड़े दिलकश और एंटरटेनिंग किस्म की थी, जो कि देख के बहुत मज़ा आया। मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से देख रहा था और देखते हुए दिलचस्पी बढ़ रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और अमित बड़ाना की इतनी वीडियोज़ होती हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर होती हैं, काफ़ी यूनिक होती हैं, डिफरेंट होती हैं, क्रिएटिव मतलब न्यू आइडियाज़ पर काम करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त क्रिएटिव किस्म का काम होता है, जो कि देख के बहुत मज़ा आता है। और उनकी जितनी भी वीडियोज़ हैं सब बड़ी यूनिक और बहुत मज़े की हैं, फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर, में फ़नी डायलॉग होते हैं और जिस अंदाज से ये बोलते हैं, और काफ़ी इंटरटेनिंग किस्म की वीडियोज़ होती हैं इनकी और काफ़ी सारी मैसेज वाली भी होती हैं, मज़ेदार किस्म की, मतलब हर तरह की वीडियोज़ पर काम करते हैं, जो कि देख के बहुत मज़ा आता है। वीडियो जैसी इनकी आती है ट्रेंडिंग में जाती है और छा जाती है और लोग बकाया शिद्दत से इंतज़ार करते हैं इनकी नेक्स्ट वीडियो का, जो कि मुझे भी था, जो कि मैंने देखी है, मुझे बहुत मज़ा आया, जो कि आप कहें बड़ी कमाल की लग रही थी और मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से देख रहा था और देखते हुए दिलचस्पी बढ़ रही थी और मज़ा आ रहा था। जिस अंदाज के साथ बनाई गई है, शूट की गई है, पेश की गई है, काफ़ी इंटरटेनिंग किस्म की थी। और अभी तो उसके आगे का पार्ट आएगा, जो कि मुझे अभी से इंतज़ार है, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा, जो कि ये भी बड़ी कमाल की लगी मुझे और मतलब पता ही नहीं चला टाइम का और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इतना ज़बरदस्त किस्म का टाइम गुजरा। मैंने तो भरपूर तरीके के साथ इन्जॉय किया और बड़े टैलेंटेड किस्म के शख्स हैं जो भी काम करते हैं, काफ़ी मज़ेदार किस्म का होता है, जो कि देख के बहुत मज़ा आता है। ये वीडियो भी बड़ी कमाल की थी और बहुत मज़ा आया, फुल ऑन मतलब आप कह लें परफेक्ट तरीके के साथ एक चीज़ थी, जो कि देख के मज़ा ही आ गया, ज़बरदस्त, जितनी तारीफ की जाए काम है। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और मेरा रिएक्शन और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू शेयर विद मी, आई विल बी एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर प्रीशियस ओपिनियंस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।